ऑल ऑफ यू, जैसे आज हम दीपावली के उपलक्ष्य में आपको एक लैंप बनाना सिखाऊंगी। जैसे हमने ये लैंप बनाई है, तो इसको कैसे बनाना है, जैसे हम जब दीपावली आती है तो हम साफ़ सफाई करते हैं, अपना रूम डेकोरेट करते हैं, तो उसमें आप चीज़ें बहुत चीज़ें बना बना के डेकोरेट कर सकते हैं अपना रूम। जैसे मैंने एक पेपर लिया, ग्लिटर शीट लिया, और ये एक शीट है कलरफुल, इसे लिया। तो मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले ये वाला पेपर लेंगे ग्लिटर शीट का, तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है और ये बराबर का करना है। इसके बाद में इसको हमें क्या करना, हमें पहले यहाँ से इसको यहाँ तक अंडरलाइन करना है, इसका यहाँ तक करेंगे। इसके बाद में हम इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं, यहाँ तक किया। अब मुझे इसके बाद में यहाँ से बराबर की लाइनें करनी है, जैसे हमने यहाँ तक किया तो यहीं से इतना करेंगे, बराबर का कर लेंगे। मैंने यहाँ तक कर दिया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना, मैंने ये पेंसिल से किया। अब इसमें हमें लाइनिंग में इसलिए किया हुआ है कि इससे अच्छे से कट जाएगा, तो हमें कहाँ तक, जहाँ तक इधर लाइन किया और इसको यहाँ तक, तो हमें यहीं से कट करना है। जैसे यहाँ से जो जो लाइन की है वहाँ पर कट करना है इस तरह से, और कहाँ तक किया था, इधर यहाँ तक किया, सिर्फ यहीं तक करेंगे, ये पूरा काटेंगे। हमने यहाँ तक काटा। अब इसके बाद में हमें ये वाला जो लास्ट में बचेगा, तो हमें लास्ट में इस तरह से पूरा कट करना है, इतना ये हटा देना है। और इसके बाद में हमें इसको सीधा करना है, और सीधा करने के बाद इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसमें, तो ये सीधा रहे। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसको इसमें हम यहाँ से सिर्फ यहाँ तक इतना वो स्टेपलर करेंगे इसको। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो नहीं पेस्ट होगा इसमें, तो हमें यहाँ पर स्टेपलर करना है इतना यहाँ तक, और ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है यहाँ पर स्टेपलर का। इस साइड में मुझे करना है यहाँ पर, और इधर भी जितना इधर करेंगे उतना ही आप इधर करेंगे। ये किया, और उसके बाद में ऐसा हुआ, इसका जो हमारा दूसरा पेपर था कलरफुल, इसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा ये करना है यहाँ पर स्टेप लगा। इस साइड में मुझे करना है यहाँ पर, और इधर भी जितना इधर करेंगे उतना ही आप इधर करेंगे। ये किया, और उसके बाद में ऐसा हुआ, इसका जो हमारा दूसरा पेपर था कलरफुल, इसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, पूरा फोल्ड करेंगे। अब हमें ऐसे इसके अंदर डालना है, तो कैसे करना है, इसके अंदर मुझे यहाँ पर इस तरह से रखना है, इस तरह से, ये हमारा इस तरह से बना हुआ है। और इसके बाद में यहाँ पर स्टेपल लगाना है इसमें, क्यों, अगर स्टेपल नहीं लगाएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टेपल करेंगे, दो तीन जगह अच्छे से स्टेपल करेंगे, ताकि हमारा ये सेफ रहे इसमें, और ये हमारा ये निकलेगा नहीं इससे। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमने काटा हुआ था एक पत ये निकाला हुआ था, इसमें हमें क्या करना है, इसको टांगने के लिए हमें यहाँ पर वो लगाना है, इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हम स्टेपर लगाएंगे, इधर इस साइड में लगाएंगे, और इस तरह से आप बनाएंगे अच्छे से, और इसको डेकोरेट कर सकते हैं घर पे, ये बना बना के कलरफुल पेपर से लिख के कर सकते हैं। थैंक यू।